हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस अब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि लिंग्विस्टिक्स के पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी जॉर्ज यूल की बुक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, उसमें का पहला चैप्टर द ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें हमने बात की थी कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे रिलेटेड कई सारे थियोरीज हैं, जिसमें से जो पहली थियोरी थी वो थी द डिवाइन सोर्स। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आइए आज शुरू करते हैं द नेचुरल साउंड सोर्स। क्या है ये? देखिए, अभी नेचुरल साउंड सुनाई दे भी रहा है पीछे। अ क्वाइट डिफरेंट व्यू ऑफ द बिगिनिंग्स ऑफ लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल साउंड्स। कह रहा है एक जो दूसरा व्यू है जिससे पता हमें चले कि भाषा की शुरुआत कैसे हुई, वो क्या है व्यू? कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल साउंड, जो प्राकृतिक ध्वनियाँ हैं उनका कॉन्सेप्ट। क्या है ये कॉन्सेप्ट? द बेसिक आइडिया इज दैट प्रिमिटिव वर्ड्स कुड हैव बीन इमिटेशंस ऑफ द नेचुरल साउंड्स विच अर्ली मैन एंड वेमेन हर्ड अराउंड डैम। कह रहा है कि जो प्रिमिटिव वर्ड्स, यानी जो शुरुआत में जो शब्द प्रयोग किए गए आदमियों और औरतों के द्वारा, वो वर्ड्स कैसे थे? वो वर्ड्स शायद इमिटेशन रहे हों, कॉपी की हो उन्होंने, नकल की रही हो। कहाँ से? इमिटेशंस ऑफ द नेचुरल साउंड्स विच अर्ली मैन एंड वुमेन हर्ड अराउंड देम। वो साउंड्स जिसको आदमियों और औरतों ने अपने चारों तरफ सुना था, यानी नेचर से जो साउंड वो सुने थे उसी को सुन करके शायद वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ से वो शुरुआती शब्द निकल करके आए हैं, ऐसा मानना है इस थियोरी का। ये बात कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही लगती है, लेकिन ऑब्वियस है कि सारी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करती। कुछ हद तक तो वैसी लगती है, क्योंकि हमने बताया था कि कैसे शुरुआत में कोई भी बच्चा जब बोलना सीखता है तो पहले वो एनवायरमेंटल साउंड को ही सुनता है और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। इंसान की भाषा को वो देर से समझना और सीखना शुरू करता है, ठीक है? तो अब इसको देखिए कैसे और अच्छे से एक्सप्लेन किया है जॉर्ज यूल ने। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लू, देखिए FLEW फ्लू भी होता है, फ्लू भी होता है, ठीक है? जैसे GREW ग्रो भी, सॉरी GREW ग्रीव होता है या ग्रू होता है, ठीक है? तो फ्लू, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लू बाय मेकिंग अ काओ काओ साउंड, द अर्ली ह्यूमन ट्राई टू इमिटेट द साउंड। कह रहा है जब कोई पक्षी, कोई ऑब्जेक्ट आकाश में उड़ा काव काव करते हुए, तो अर्ली ह्यूमन जो था उसने कोशिश की उसको इमिटेट करने की, एंड यूज्ड इट टू रेफर टू द थिंग एसोसिएटेड विद द साउंड। तो कोशिश की उसने, अर्ली मैन ने, कि वो जो काव काव ऑब्जेक्ट है उससे जुड़ा जो ऑब्जेक्ट है, जो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट है, उसका नाम भी वही रख दे वो, तो काव काव से बन गया कौवा, या काव काव से बन गया क्रो, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है? इवन इंग्लिश में उसके साउंड को जब हम कहते हैं कि कौवा काव काव करता है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम बनाते हैं द क्रो काउज, CAW, है ना? तो काव काव करना का CAW ही होता है ना? तो वहाँ से कम वो काव वर्ड तो आया ही निकल करके, काव काव करने वाला, या क्रो, या हिंदी में जो कौवा शब्द है, ठीक है? तो चूँकि उसका वो साउंड था तो उसके हिसाब से उसका वो नाम रख दिया गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है। इवन जब आप थियरी, ध्वनि थियरी पढ़ते हैं, तो उसमें भी आप पढ़ते हैं कि कैसे
अभिधा लक्षणा व्यंजना जो होते हैं, तीन अलग अलग शब्द शक्तियाँ जो होती हैं, तो लक्षणा में क्या होता है, आप एसोसिएटेड मीनिंग ही तो देखते हैं, कैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ी हुई जो चीज़ होती है हम उसको उसी के नाम से बुलाते हैं। जैसे देखा होगा रास्ते में, जैसे आप बस में बैठे हुए हैं, कंडक्टर खड़ा है दरवाजे पर, बगल से कोई साइकिल वाला जा रहा है, अगर वो ज़्यादा जगह कवर किए है तो कंडक्टर चलाकर बोलता है ए साइकिल, तो जब बोलता है ए साइकिल तो इसका मतलब वो साइकिल को थोड़ी बुला रहा है, वो साइकिल पर बैठे हुए आदमी को बोल रहा है कि एक और हो जाओ, हो एक और हो जाओ, ठीक है। तो ये हमारी टेंडेंसी है लक्षणा में, ये हमारी टेंडेंसी है कि हम चीज़ों को उन नाम से बुलाएं जिससे उनका एसोसिएशन है, तो ऐसे भी नाम पड़ता है। नहीं, हम लोग बोलते हैं कोई चश्मा पहना हुआ आदमी रहता है ए चश्मेश, ए चश्मा, तो उसका नाम थोड़ी चश्मा है, लेकिन हम बोलते हैं टोपी पहना है ए टोपी। तो ये साइकोलॉजिकली अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये तो बात है ही कि ये भी कुछ हद तक हम करते हैं, लेकिन बस यही नहीं करते, ये डिफरेंस है, ठीक है। कह रहा है एंड व्हेन अनदर फ्लाइंग क्रीचर मेड अ कू कू साउंड दैट नेचुरल साउंड, अभी देखिए सुनाई दे भी रहा होगा आपको कोकू, दैट नेचुरल साउंड वॉज एडॉप्टेड टू रेफर टू दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा है जब दूसरा फ्लाइंग क्रीचर, कोई जीव आकाश में उड़ा और उसने कू कू साउंड किया, तो वो पर्टिकुलर साउंड एडॉप्ट कर लिया गया उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, बताने के लिए, ठीक। यानी वो कूकू से कक्कू बन गई है ना, कक्कू यानी कोयल। द फैक्ट दैट ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस हैव सम वर्ड्स विद प्रोनंसिएशंस दैट सीम टू इको नेचुरली ऑकरिंग साउंड्स कुड बी यूज्ड टू सपोर्ट दिस थियरी। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या समझने वाली है, वो यही है कि ज़्यादातर जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, आधुनिक भाषाएं जो हैं, उनमें कुछ वर्ड्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके प्रोनंसिएशंस ऐसे होते हैं दैट सीम टू इको द नेचुरली ऑकरिंग साउंड्स, जिनको सुन करके लगता है कि वो उसी नेचुरली ऑकरिंग साउंड, सुनिए हाँ ये नेचुरली ऑकरिंग साउंड है, तो उसी के हिसाब से उसका हम नाम रख देते हैं। आपको देखेंगे कि मॉडर्न लैंग्वेजेस में कुछ ऐसे नेचुरली ऑकरिंग साउंड्स हैं जो कि इस थियोरी को सपोर्ट करते हैं। जैसे इंग्लिश की बात करें, इन इंग्लिश इन एडिशन टू ककू वी हैव स्प्लैश बैंक बूम रैटल बज हिस स्क्रीच एंड फॉर्म्स सच एज बोवो। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो जो कुछ शब्द हैं कक्कू के अलावा, स्प्लैश बैंक बूम रैटल बज हिस बोवो, तो इसलिए इस तरह का जो व्यू है इसको नाम ही दे दिया गया बोवो थियोरी, ठीक है, ऑफ लैंग्वेज ओरिजिन, इसको कहा जाता है बोवो थियोरी ऑफ लैंग्वेज ओरिजिन, भाषा की उत्पत्ति की बोवो थियोरी। वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर टू द नॉइजेस दे डिस्क्राइब आर एग्जांपल्स ऑफ ओनोमेटोपिया। देखिए ये वर्ड जो है ओ एन ओ एम ए टी ओ पी ई आई ए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका जान लीजिए, और कभी भी ऐसे वर्ड सामने आते हैं तो ज़रूर डिक्शनरी से, आजकल तो साउंड भी अवेलेबल है, तो उसको सुन करके एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ज़रूर जानिए, छोड़िए मत कल के लिए। तो ये ओ एन ए एम ए टी ओ पी ई आई ए, ये जो वर्ड है इसका ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है ओनोमेटोपिया, क्या है ओनोमेटोपिया, इसका अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है ओनोमेटोपिया, ठीक है। तो ओनोमेटोपिया या ओनोमेटोपिया, तो ऐसे वर्ड्स जो सिमिलर होते हैं उन नॉइजेस के जिनसे वो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं ओनोमेटोपिया। तो
ऑब्वियसली ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, अलंकार भी है, पढ़ा होगा आपने इसको। तो ऐसे वर्ड्स हैं जो जैसे साउंड उनका निकलता है वही उसका नाम भी होता है, उनको हम ऑनोमेटोपेया बोलते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑनोमेटोपेइक वर्ड्स, ऑनोमेटोपेइक वर्ड्स जो होते हैं वो बोवो थियोरी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। या अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ऑनोमेटोपेइक, ठीक है, ऑनोमेटोपेइक वर्ड्स दे सपोर्ट बोवो थियोरी। व्हाइल इट इज ट्रू दैट अ नंबर ऑफ वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज आर ऑनोमेटोपेइक, कह रहा है कि ये बात है कि कुछ शब्द हैं किसी भी भाषा में, कुछ शब्द आपको मिल जाएंगे जो ऑनोमेटोपेइक होते हैं। इट इज़ हार्ड टू सी हाउ मोस्ट ऑफ साउंडलेस थिंग्स एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इन आर वर्ल्ड कुड हैव बीन रेफर्ड टू इन अ लैंग्वेज दैट सिंपली इकोड नेचुरल साउंड्स। लेकिन कह रहा है इसके विरोध में कौन सी बातें खड़ी हैं जो इसका सपोर्ट नहीं करती, वो ये हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो साउंडलेस हैं, जिनमें कोई साउंड नहीं होता, ठीक है। जैसे मोबाइल अगर चुपचाप पड़ी है तो क्या उसमें कोई साउंड है? नहीं है ना, तो उसका नाम हमने मोबाइल कैसे रख दिया? पेन चुपचाप पड़ी है, उसमें कोई साउंड है? नहीं है, उसका नाम पेन कैसे रख दिया? तो बहुत सारी ऐसी साउंडलेस चीज़ें हैं जिसका नाम हमने रखा हुआ है तो वो कैसे रख दिया, तो वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती बोवो थियोरी। या उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो हमारे भीतर तमाम तरह की जो भावनाएं जन्म लेती हैं, खुशी में आह्लादित होते हैं, हैप्पी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, तो ये सारी चीज़ें जिनमें कोई साउंड नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वर्ड्स कहाँ से आए, ठीक है। तो दीज आर दी काउंटर एग्जाम्पल्स जो इस थियोरी के अगेंस्ट खड़े होते हैं, जिससे पता चलता है कि अगर हम पूरी भाषा को सिंपली इकोड नेचुरल साउंड्स का इमिटेशन मान लें तो ये उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करते। वी माइट ऑल्सो बी रैदर स्केप्टिकल अबाउट अ व्यू दैट सीम्स टू अज्यूम दैट अ लैंग्वेज इज ओनली अ सेट ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज नेम्स फॉर थिंग्स। एक और है जो एक व्यू जो है, एक थियोरी जो है, जिसमें यह समझा जाता है कि भाषा कुछ नहीं है बल्कि नामों का संसार है, नाम जो रख दिया बस। यानी अगर केवल नामों का संसार होती भाषा तो केवल लैंग्वेज में नाउंस ही होते, है ना, तब उसमें प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशंस नहीं होते। तो उस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि ये भी पूरी तरह से सही नहीं है कि केवल अगर हम कहें कि भाषा केवल नामों से ही बनी हुई। हाँ, ये बात सही है, नाउंस बहुत ज़्यादा हैं, हम बहुत ज़्यादा उनका यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, लेकिन बस वही तो नहीं है ना। बात वही हो गई कि अगर कहा जाए कि आई एम द बेस्ट या आई एम वन ऑफ द बेस्ट तो चलता है कि ठीक है भाई, हाँ हम सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छों में से एक हैं, लेकिन कहें ओनली आई एम द बेस्ट तो गड़बड़ हो जाएगा। आप उसको एब्सोल्यूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी थियोरी जो है लैंग्वेज में वो एब्सोल्यूट नहीं होती जो कहे कि बस यही एक थियोरी है जो जस्टिफाई कर देगी सारे ओरिजिन को, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट द ओरिजिनल साउंड्स ऑफ लैंग्वेज मे हैव कम फ्रॉम नेचुरल क्राइज ऑफ इमोशन। ये भी कहा जाता है कि शायद जो ओरिजिनल साउंड्स हैं भाषा में वो नेचुरल क्राइज से आए होंगे, जो प्राकृतिक रूप से जो आवाज़ें हम निकालते हैं, नेचुरल क्राइज ऑफ इमोशन, वो क्राइज किसकी हो सकती हैं? सच एज पेन, एंगर एंड जॉय, कभी जो दर्द में हम कराहते हैं, गुस्से में चिल्लाते हैं, जॉय में जो एक आह्लाद निकलता है हमारा, जो कुछ इंटरजेक्शंस हम यूज़ करते हैं, शायद उनसे शुरुआती भाषा आई होगी, ऐसा भी माना जाता है। बाय दिस रूट प्रिज्यूमेबली आउच केम टू हैव इट्स पेनफुल कनोटेशंस। अगर इस हिसाब से देखें तो शायद ये जो आउच वर्ड है ना, जैसे कहीं चोट लग जाती है हमको,
या कुछ धंस जाता है, कहीं उंगली दब जाती है, तो ये आउच निकलता है वर्ड। तो कह रहे हैं कि शायद ये जो आउच वर्ड है शायद वहाँ से आया हो, पेनफुल कनोटेशन उसका वहाँ से निकल करके आता है। बट आउच एंड अदर इंटरजेक्शंस सच एज आह, ओह, वाओ और यक आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड विद अ सडन इनटेक्स ऑफ ब्रीथ। लेकिन देखिए फिर से इसको कैसे क्लियर कर रहा है, इसके कंट्रास्ट को, कि जो वर्ड्स, ये जो इंटरजेक्शंस हैं, आउच है, ओह है, वाओ, यक, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इनटेक्स ऑफ, अचानक से जो इनटेक लेते हैं, जो सांस खींचते हैं भीतर की तरफ, उस तरह से ये वर्ड्स हम निकालते हैं, जबकि विच इज़ द अपोजिट ऑफ ऑर्डिनरी टॉक, जो कि ऑर्डिनरी टॉक में हम ऐसा नहीं करते। ऑर्डिनरी टॉक में क्या करते हैं, हम एक्सेल करते हैं, इनहेल नहीं करते। वी नॉर्मली प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज ऑन एक्सेल्ड ब्रीथ, कह रहा है ज़्यादातर जब हम नॉर्मल भाषा में बातचीत करते हैं, जब हम इंटरजेक्शंस का यूज़ नहीं करते, तो उस समय जो ज़्यादातर वर्ड्स निकलते हैं वो एक्सेल्ड ऑफ ब्रीथ, सांस के बाहर निकलने के साथ वो शब्द निकलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। बेसिकली द एक्सप्रेसिव नॉइजेज पीपल मेक इन इमोशनल रिएक्शंस कंटेन साउंड्स दैट आर नॉट अदरवाइज यूज इन स्पीच प्रोडक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली वुड सीम टू बी रेदर अनलाइकली कैंडिडेट्स एज सोर्स साउंड्स फॉर लैंग्वेज। कह रहा है कि जो एक्सप्रेसिव नॉइजेज हैं जो पीपल यूज़ करते हैं इमोशनल रिएक्शंस के समय, कंटेन साउंड्स दैट आर नॉट अदरवाइज यूज इन स्पीच प्रोडक्शन, वो उसमें कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो हम नॉर्मल स्पीच प्रोडक्शन में जिसका यूज़ नहीं करते, तो इससे समझ में आता है कि इसको हम सोर्स साउंड्स नहीं कह सकते लैंग्वेज का। अब हम हमेशा आउच, ओह, यक तो नहीं करते रहते ना, जब ऐसे कुछ इमोशंस आते हैं तभी ये वर्ड्स बाहर निकलते हैं, अदरवाइज नॉर्मल बातचीत में ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, ये कहना चाह रहा है। इसलिए कह रहा है कि ये जो थियोरी है ये पूरी तरह से सही नहीं है, वी कैन नॉट स्टैंड विद दिस थियोरी अलोन। ठीक है, तो ये रही नेचुरल साउंड सोर्स थियोरी। एक और पढ़ लेते हैं आज, द सोशल इंटरेक्शन सोर्स, यानी सामाजिक इंटरेक्शन के थ्रू निकल करके आए साउंड्स माना जाता है इसके थ्रू। अनदर प्रपोजल इन्वॉल्विंग नेचुरल साउंड्स हैज बीन कॉल्ड द यो हे हो, ये यो हे हो थियरी। कह रहा है कि जो दूसरा प्रपोजल है नेचुरल साउंड का, उसमें माना जाता है कि साउंड यो हे हो थियरी से निकल करके आया है। ये क्या है भाई? The idea is that the sounds of a person involved in physical effort could be the source of our language. इसमें यह माना जाता है कि physical effort लगाते समय, एकदम जोर जो लगाते हैं कोई चीज़ को उठाने में, physical effort लगाने में जो जोर लगाते समय जो sounds निकलता है, कह रहा है वो sound शायद source रहा हो लैंग्वेज का। Especially when that physical effort involves several people and the interaction had to be coordinated. ख़ास करके तब जब वो फिज़िकल एफर्ट कई लोगों के साथ लगाया जाए। तो कई लोगों के साथ कैसे लगाया जाता है? आपने गांव में देखा होगा जब झोपड़ियाँ उठाई जाती हैं या जब कोई बहुत भारी चीज़ उठाया जाता है, जोर लगा के ऐसा बोलते हैं ना, जो जो आवाज़ें आती हैं सब लोगों के साथ में मिल करके, या हे हैया ऐसे करके जो लोग बोलते हैं, तो वो कह रहा है कि वो सारे साउंड्स सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो निकल रहे थे शायद वो हों ओरिजिन, वो हों ओरिजिनल साउंड्स। कह रहा है सो अ ग्रुप ऑफ अर्ली ह्यूमंस माइट डेवलप, कह रहा है इस तरह से हो सकता है अर्ली ह्यूमंस का ग्रुप जो रहा हो उसने कुछ कुछ हम्स डेवलप कर लिए हो, कुछ साउंड्स, हम्स, ग्रंट्स, बलबलाहट, ग्रोन्स, जो आह निकलती है, आवाज़ें आती हैं, एंड कर्सेस, कुछ जो जब परेशान होकर के आदमी जब शाप देता है, कर्सेस दैट वर यूज्ड व्हेन दे वर लिफ्टिंग एंड कैरिंग लार्ज बिट्स ऑफ ट्रीज और लाइफलेस हेयरी मैमथ्स। मैमथ का मतलब एलिफेंट यानी हाथी। कह
कह रहा है शायद ये सारे कुछ जो जो हम्स ग्रंट्स ग्रोन्स हैं ये उनके मुंह से निकलते रहे हों, कुछ लोगों के मुंह से निकलते रहे हों, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के मुंह से निकलते रहे हों, जब वो कोई बहुत भारी चीज़, कोई बहुत भारी लट्ठा पेड़ का उठाते रहे हों, या किसी बड़े जानवर को मैमथ को एलिफेंट को साथ में मिलकर के उठाते रहे हों, और उस समय जो आवाज़ें निकलती रही हों, जो ग्रंट्स निकलते रहे हों, जो कर्सेज निकलते रहे हों, शायद वहाँ से निकल करके ये साउंड आए हैं। The appeal of this proposal is that it places the development of human language in a social context. ये important है इसमें, बहुत important चीज़ है। मतलब कह लीजिए कि ये कहीं ना कहीं आज जो हम समझते हैं भाषा को उसका एक foundation बना देगा। ये कह रहा है कि इसमें जो main appeal है इस proposal की वो ये है कि human language का जो development है वो social context में हुआ, यानी society is very much needed for the development of language, और ये बात सही है। लेकिन बस वो जो example दिया है केवल वही बात सही नहीं है, लेकिन हाँ भाषा obviously social context में develop होती है, ये बात आज हम बहुत अच्छे से स्वीकारते हैं, क्योंकि सोशल कॉन्टेक्स्ट में रहने पर हमको क्या होता है, एक्सपोजर मिलता है, हमको इनपुट्स मिलते हैं साउंड के, जिससे कि हम आउटपुट दे सकें। अर्ली पीपल मस्ट हैव लिव्ड इन ग्रुप्स, कह रहा है कि जो आदिमानव लोग थे रहा करते रहे होंगे ग्रुप्स में। इट्स ओनली बिकॉज लार्जर ग्रुप्स ऑफर्ड बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक, और इसके पीछे रीज़न क्या था, यही था कि जब आप ज़्यादा ग्रुप में रहेंगे तो आप पर कोई अटैक नहीं करेगा, इवन जानवर भी नहीं करेंगे। पता है आपको इवन शेर जब उसे अटैक करना होता है तो अटैक करने के पहले क्या करता है, वो पहले वो दहाड़ता है तेज से, जब दहाड़ता है तो सारे जानवर को पता चल जाता है शेर जग गया है, आ रहा है, तो सारे लोग भागना शुरू कर देते हैं, सारे जानवर भागना शुरू कर देते हैं, उसी में कोई एक बेचारा पीछे छोड़ जाता है, उसी पर शेर अटैक कर देता है। और वैसे भी यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल जानते ही हैं हम लोग, है ना, एक साथ रहें तो हम स्टैंड करेंगे, अगर डिवाइडेड हो जाएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये समझते थे वो सब कि ग्रुप में रहेंगे तो ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे अटैक से। Groups are necessarily social organizations, and to maintain those organizations, some form of communication is required. कह रहा है कि जो ग्रुप हुआ करते थे obviously social organization होते थे, और उनको maintain करने के लिए obvious है कि communication की ज़रूरत हुआ करती रही होगी, जैसा कि आज भी आप लोग देखते हैं कि कई रिश्ते बातों के बिना टूट जाते हैं, तो communication बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही है, सारे लोग ही हैं, हाँ पड़ोसी पड़ोसी में अगर बातचीत बंद हो जाए तो क्या होगा, वो एक इंटरेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन इज़ नीडेड। तो वो कम्युनिकेशन कह रहा है उसकी ज़रूरत रही होगी, इवन इफ़ इट इज़ जस्ट ग्रंट्स एंड कर्सेस, भले ही ये ग्रंट्स हों कर्सेस हों, नहीं जैसे हम लोग क्या करते हैं जनरली आसपास के लोगों से बात तो नहीं करते, लेकिन हाँ जब निकलते हैं बाहर तो अगर सामने पड़ जाए कोई पड़ोसी तो क्या करते, देखकर स्माइल कर देते हैं, वो स्माइल करना ही कम्युनिकेशन हो गया, ज़रूरी कि आप चिल्ला करके हेलो हाय क्या हाल है ये बात करें, यू कैन जस्ट स्माइल। तो स्माइल करने से क्या होगा, इट मीन्स यू केयर, है ना। तो कह रहा है, वही कह रहा है कि देखिए कितने अच्छे से साइकोलॉजिकली समझाया है यहाँ पर कि भले वो ग्रंट्स हो कर्सेस हो चलेगा, लेकिन कुछ तो कम्युनिकेशन होना चाहिए था। सो ह्यूमन साउंड्स हाउ एवर दे वर प्रोड्यूस्ड, कह रहा है भले ह्यूमन साउंड्स जैसे भी वो निकल करके आए हों, मस्ट हैव हैड सम प्रिंसिपल्ड यूज़ विद इन द लाइफ, कह रहा है कि लेकिन ये समझेंगे हम कि उसका यूज़ रहा ह्यूमन साउंड का लाइफ के भीतर, एंड सोशल इंटरेक्शन ऑफ अर्ली ह्यूमन ग्रुप्स, जो कि उनके सोसाइटी में रह करके सोशल इंटरेक्शन से पैदा हुआ, उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आइडिया दैट मे रिलेट टू द यूसेस ऑफ ह्यूमनली प्रोड्यूस साउंड्स, कह रहा है कि ये एक अच्छा आइडिया है, महत्वपूर्ण आइडिया है ये समझने के लिए कि ह्यूमनली साउंड्स कैसे निकल करके आए। लेकिन इसमें भी एक लोचा है, क्या, इट डज नॉट हाउएवर आंसर आर क्वेश्चन रिगार्डिंग द ओरिजिन्स ऑफ द साउंड्स प्रोड्यूस्ड, लेकिन इससे ये नहीं पता चला कि ओरिजिन कहाँ से हुई, भाषा भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई,
हाँ सोशल कॉन्टेक्स्ट जिम्मेदार है, समझ में आया, लेकिन वो जो साउंड्स हैं ह्यूमन साउंड, तमाम जो भाषा में जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से निकल करके आए? क्योंकि एक बहुत अच्छा काउंटर एग्जांपल देखिए इसका, क्योंकि जितनी बात हमने कही है भी सोशल इंटरेक्शन की, वो हमारे अलावा कुछ और जानवर भी करते हैं, लेकिन उनके पास वो भाषा नहीं है जो हमारे पास है, जैसे एप्स एंड अदर प्राइमेट्स लिव इन अ सोशल ग्रुप। एप्स रहते हैं ग्रुप में और कुछ प्राइमेट्स भी रहते हैं जो पुराने समय से चले आ रहे जानवर हैं जो ग्रुप में रहते हैं। अभी जैसे मैंने अभी बात की हिरणों की, बात की डियर्स, वो भी रहते हैं। सम साउंड्स दे प्रोड्यूस ऑल्सो, इवन हम अगर बकरियों की बात करें, भेड़ों की बात करें, वो भी ग्रुप में रहते हैं, वो भी कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं ग्रुप में रह करके, लेकिन ग्रैंड सोशल कॉल्स के लिए कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो, बट दे डू नॉट सीम टू हैव डेवलप्ड द कैपेसिटी फॉर स्पीच। लेकिन ये समझ में नहीं आता, ये देख करके नहीं लगता कि उनमें स्पीच की कैपेसिटी है जैसे कि हम इंसानों में है। बात समझ में आ रही है? तो कई सारे थियोरीज हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको हमें समझना होगा, सबसे हम थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। ये बात कुछ ऐसी ही है कि जब हम बात करते हैं ब्यूटी की, खूबसूरती की, तो एक खूबसूरत चेहरा जिसमें आप आँख देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, होंठ देख रहे हैं, गाल देख रहे हैं, आप सबकी खूबसूरती की बात कर सकते हैं एक पूरे चेहरे की, लेकिन इन्हीं सब को अगर अलग अलग काट करके रख दिया जाए तो क्या वो चीज़ आपको खूबसूरत नज़र आएगी? भयानक नज़र आएगी। तो उस चेहरे की खूबसूरती के लिए सारी चीज़ों को एक साथ आना ज़रूरी है, है ना? तो उसी तरह से जो थियोरीज़ हैं ना, इन सबको समेटना ज़रूरी होगा, इन सबसे कुछ ना कुछ आपको लेना होगा और समझना होगा कि सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा शायद, ठीक है? चलिए आज यहीं तक, आगे हम बात करेंगे फिज़िकल एडेप्टेशन सोर्स की, जिसमें हम टीथ, लिप्स, माउथ, लैरिंग्स, फैरिंग्स वगैरह की बात करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।